नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। स्थानीय भोजपुरी समाज ने डूबते सूरज को दिया अग्र। स्थानीय भोजपुरी समाज द्वारा बुधवार को छठ पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर शाम को सिंह तालाब पर डूबते सूर्य को अग्र देकर पूजा अर्चना की गई। वहीं गुरुवार को पुनः उगते सूरज को अग्र देकर पूजा का समापन किया जाएगा। इस मौके पर स्थानीय सिंह तालाब पर नगर पालिका द्वारा टेंट एवं लाइट लगाकर आवश्यक व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से होमगार्ड सैनिकों की ड्यूटी भी लगाई गई थी। क्या व्यवस्था रही नगर पालिका की तरफ से? छठ पूजा के पर्व पर यहाँ साफ सफाई, टेंट, लाइट और पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर महिलाएं जो अर्घ देंगी सूर्य को, तो उसके बाद नहान धोन के लिए उनके चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है और साफ सफाई, विशेष साफ सफाई की गई है। वैसे तो साफ सफाई यहाँ होती रहती है पर छठ पूजा के पर्व पर विशेष साफ सफाई का प्रबंध किया गया है। इस दौरान एक सैकड़ा से अधिक समाज बंधुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सूर्य को अग्र एवं पूजा अर्चना की। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी छठ पूजा खूब धूमधाम से गुना शहर में मनाई गई। मुख्य रूप से छठ पर्व 4 दिन का होता है, जिसका शुभारंभ नहान खान से शुरू हो गया था। खंडित उपरांत बुधवार शाम 4 बजे सिंहवासा तालाब पर डूबते सूर्य को अग्र दिया गया। इसका समापन गुरुवार को सुबह उगते सूरज को अग्र देकर होगा। आपको बता दें कि आज सिंहवासा तालाब पर मेला जैसा नजारा देखने को मिला।